से बनाई जाती है। इस तरह से आप ये फिश करी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आपकी जो फिश है वो टूटेगी भी नहीं ग्रेवी में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो 500 ग्राम यहाँ पे मैंने रोहू फिश ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से एक बार पानी से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको छन्नी के ऊपर रखा है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। जब हम इसको शैलो फ्राई करते हैं तो हमारा जो ऑयल है वो ख़राब नहीं होता है। इसके बाद आप इसको मैरिनेट कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। हल्दी पाउडर से फिश की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ में थोड़ा सा आपने देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, तो आधा चम्मच मैंने देगी मिर्च पाउडर ऐड किया है। और 1 चम्मच आपने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, अदरक नहीं डालना उसमें, सिर्फ लहसुन ही लहसुन का पेस्ट यूज़ कीजिएगा आप। अच्छी तरह से फिश को मैरिनेट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से, और मैरिनेट करके कम से कम 20 मिनट तक फिश को इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। तब तक और तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए आपने 15 से 20 लहसुन की कलियां लेनी है और 1 छोटा चम्मच आपने पीली वाली सरसों लेनी है, उसको भिगो के रख देना है। थोड़ा सा हरा धनिया का यूज़ करेंगे और 3 से 4 आपने हरी मिर्च लेनी है। यहाँ मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार लिया है, सबसे पहले इसमें सरसों ऐड कर देते हैं पानी के साथ ही, इसके साथ में लहसुन भी डाल देना है आपने, और साथ में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल देनी है। वैसे हरे धनिया का यूज़ नहीं किया जाता है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहें इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए और 10 से 12 आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और इनको आपने पीस लेना है। अगर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, 2 से 3 बड़े चम्मच उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहें फिश को फ्राई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फिश को शैलो फ्राई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो ऑयल है ना वो ख़राब नहीं होगा। कम ऑयल में आप फिश को शैलो फ्राई कर पाएंगे, ऑयल जैसे अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। इसके बाद आपने फिश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे डाल देना है। तो जितनी फिश एक बार में आती है शैलो फ्राई करने के लिए उतने पीसीज आप डाल दीजिए। आप चाहें इसको 2 बार में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, हाई फ्लेम में 2 मिनट तक एक साइड से आप फिश को पकने दीजिए। बार बार आपने फिश को पलटी नहीं करना है, बार बार पलटी करेंगे फिश ना टूट जाती है। तो एक साइड से अच्छी तरह से पकने दीजिए, फिर दूसरी साइड को पलटी करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से आप इसको पकने दीजिए। और तेज गैस में ही पकाना है आपने, उससे बाहर से अच्छा करंच आएगा फिश में और फिश हमारी टूटेगी भी नहीं। स्लो गैस में पकाएंगे, एक तो ऑयल को पी जाएगी और दूसरा ये टूटना भी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, मुझे कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं फिश को पकाते हुए और दूसरी साइड्स में भी अच्छा कलर आ चुका है। तो चेक कर लीजिए एक बार इस तरह से, देखिए बढ़िया तरीके से करारी भी हो चुकी है हमारी फिश और अच्छी तरह से पक भी चुकी है। तो इसके बाद हम फिश को निकाल के प्लेट में रख लेते हैं और इसी कढ़ाई में जो ऑयल बचेगा ना उसी ऑयल में जो बची हुई फिश है उसको भी आप शैलो फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी की सारी फिश जो है अच्छी तरह से यहाँ पे शैलो फ्राई कर ली है और इसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक बाउल में 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। 1/2 चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाएंगे, मसाले जलते नहीं हैं और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर निकाल के लाएगा। तो यहाँ मैंने देखिए स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। जैसे सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए 1/2 चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और इसके साथ में वो मसाले भी ऐड कर देने हैं, हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर, और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, आराम से पकें। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में आपने हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक ये दानेदार ना हो जाए। तो ये देखिए, मसाले अच्छी तरह से मैंने पका लिए हैं। इसके बाद आपने एक बड़ा सा टमाटर लेना है रेड कलर का, उसको पीस के ऐड कर देना है या फिर कद्दूकस करके डाल दीजिए।
टमाटरों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। एक छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर भी पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें सरसों का पेस्ट ऐड कर देना है। थोड़ा सा बॉल में पेस्ट चिपका रह जाएगा, हल्का सा पानी डालिए, उसको भी मिक्स करके डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने सरसों के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि इसमें हमने लहसुन का यूज़ भी किया है, उसका भी कच्चा टेस्ट रहता है तो वो भी पकना जरूरी रहता है। और ग्रेवी में थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए इसमें आपने इमली का पल्प ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच भर के आप इसमें इमली का पल्प ऐड कर दीजिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। तो ओके, देखिए यहाँ पे आपको इस पेस्ट को पकाने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और आपका जो पेस्ट है ना वो ऐसा दानेदार हो जाएगा। तो इस टाइम तक आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने ग्रेवी में ना पानी ऐड करना है। तो लगभग 3 कप आप ग्रेवी में पानी ऐड कर दीजिए। इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी पतली ही रहती है, ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं होती है फिश की, क्योंकि जब हम फिश को ग्रेवी में डालते हैं वो पूरी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। 5 मिनट तक ग्रेवी को पकने दीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना फ्राई की फिश ऐड कर देनी है। तो सारे के सारे पीसेस में ऐड कर देते हैं और ग्रेवी में फिश डालने के बाद आपने ना गैस की फ्लेम जो है एकदम लो कर देनी है और एकदम लो फ्लेम में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक आपने फिश को पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, ज़्यादा देर आप फिश को पकाएंगे उससे क्या होता है फिश ना ग्रेवी में टूटना शुरू हो जाती है। ऑलरेडी हमारी जो फिश है फ्राई करते टाइम पक चुकी है, सिर्फ हमने इसको ग्रेवी के साथ मिक्स करना है यहाँ पे, ताकि फिश जो है ग्रेवी को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर ले। और के देखिए 2 मिनट तक मैंने फिश को पका लिया है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस फिश करी को आप इंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। थैंक यू।